नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पवन कुमार ब्लॉग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बिहार में बन रहे दो नए मेडिकल कॉलेजों का अपडेट देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक बने रहे और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। राज्य सरकार सुशासन के कार्यक्रम 7 निश्चय 2 के तहत गाँव तक लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएँ मुहैया कराने के प्रयास में जुटी हुई है। लोगों को अपने जिला व क्षेत्र में ही स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो सके, इसके लिए प्रत्येक जिले में एक एक मेडिकल कॉलेज व अस्पताल की स्थापना होनी है। इसी कड़ी में इस वर्ष दिसंबर तक राज्य में 2 नए मेडिकल कॉलेज व अस्पताल शुरू हो जाएंगे। इससे जहां मरीजों को तत्काल लाभ होगा, वहीं MBBS की करीब 250 सीटें भी बढ़ जाएंगी। एक कॉलेज सारण तो दूसरा कॉलेज समस्तीपुर में होगा। दोस्तों, बिहार राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस वर्ष एक मेडिकल कॉलेज व अस्पताल नवंबर तक जबकि दूसरा दिसंबर तक शुरू हो जाएगा। सरकार ने इस वर्ष के प्रारंभ में ही प्रत्येक जिले में एक एक मेडिकल कॉलेज व अस्पताल की योजना मंजूर की है, जिन पर कार्य जारी है। छपरा में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का कार्य तेजी से चल रहा है। इस कॉलेज के नवंबर तक प्रारंभ होने का दावा किया जा रहा है। दोस्तों, सारण के छपरा में बनने वाला यह कॉलेज व अस्पताल 500 बेड का होगा, जहां MBBS की 120 सीटों पर नामांकन भी होगा। इस अस्पताल पर 376 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसी प्रकार समस्तीपुर के सराय रंजन में 591 करोड़ रुपए की लागत से राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल निर्माणाधीन है। इस मेडिकल कॉलेज में जहां MBBS की 130 सीटों पर नामांकन हो सकेगा, वहीं अस्पताल में एक बार में 500 मरीजों को भर्ती करने की सुविधा भी होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि 2 नए मेडिकल कॉलेज व अस्पताल बनने के बाद बिहार में ऐसे संस्थानों की संख्या 12 से बढ़कर 14 हो जाएगी। इनके अलावा पहले से राज्य में 8 निजी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भी संचालित हैं। बता दें कि 2028 तक राज्य में MBBS की सीटें बढ़ाकर 4,500 करने का लक्ष्य है। फिलहाल राज्य में 2,540 सीटों पर MBBS में नामांकन होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।